देखते हैं भाई, हमें भी डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कि बंदे वैसे हैं, हम भी नहीं जानते, हम नहीं जानते। जैसे कि आप सारा एक परिवार है, जितने भी यहाँ से वहाँ लगे सब एक परिवार है या अलग अलग है? सबका अलग अलग परिवार है। अब ये अंकल जी बैठे, इनसे बात करेंगे, मतलब एक यही ये शख्स हमें यहाँ मिले, और कोई शख्स नहीं मिला। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? गुनेसर है जी, गुनेसर। गुनेसर, तो आइए भाइयों, देखते हैं भाई इनसे बात करके, मतलब है ये हमारे से बात करने की कोशिश करेंगे नहीं करेंगे, तो चलिए हमारे साथ आ जाए आगे। तो भाई हमें अभी नहीं पता, मतलब यहाँ से इन तब बातचीत किस तरीके तक करी जाएगी। वैसे तो इनका रिएक्शन देख कर लग रहा भाई कि पता नहीं, मतलब ये हमारे तक करेंगे बात या नहीं करेंगे, लेकिन उत्साहित तो बतेरे। चलो आज हमारे पास यहाँ पे कुत्ते बहुत रहे हैं भाई, कुत्तों तब बचना पड़ेगा, हमारे में कुत्ता तगड़ा है। तो इधर तक शुरू करते हैं भाई, इधर तक देखते हैं क्या हिसाब है। भाई गांव से बहुत दूर है, मतलब इनका जो ये स्थान है जहाँ पे रहते हैं, इधर जितने भी आपको देख रहे कुछ ऐसे ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 घर हैं तकरीबन, ये 12 परिवार यहाँ पे रहते हैं। देखो भाई यहाँ नंगे चीज़ें हैं, ये देखो भाई इधर दिखाओ भाई कैमरे वाले आगे को दिखाओ, आगे चलो। वैसे इधर दिखाई, हमने कोई परमिशन तो नहीं ली इनसे, लेकिन ये कैमरा देख के भाग रहे हैं, पता नहीं भाई क्यों, मतलब डरने वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक क्या ना भाई, हम इनकी लैंग्वेज भी नहीं जानते, इनकी परमिशन भी नहीं हमने ली, तो मार तो डर रहे हैं पता नहीं क्यों भाई, सारे के सारे चले गए इधर से भी चले गए। चलो देखते हैं, देखते हैं भाई, हमें भी डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है कि बंदे वैसे हैं, हम भी नहीं जानते, हम नहीं जानते। तो भाई इन घरों में रहते हैं, इनका रहने सहने का सिस्टम है, ये इनके घर है, यहाँ पे खाना बनाते हैं, ये दिखा भाई यहाँ पे खाना बनाते हैं, ये बच्चे खड़े हैं, इनके बच्चे दिखाओ उधर, उधर भी लोग हैं, उधर उत्साहित हो रहे हैं, उधर दिखाओ भाई यार ये पता नहीं, मतलब हमें देख देख के भाग रहे हैं, कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ रहा, हम लाना चाह रहे हैं, हम बातचीत करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें कोई अभी फिलहाल दिख तो नहीं रहा। आ जाओ देखेंगे बातचीत करके यहाँ पे। यार मतलब हंस रहे हैं सब, और कोई हमारे पास नहीं आ रहा है, करे तो क्या करे यार, किसके पास जाओ, अपने बर्तन तो ले आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर क्यों चल रहे, इधर को चल रहे रास्ते। ये भाई कुत्ते का आता, कुत्ते भी आए यहाँ भाई, एक मिनट इधर आ भाई, कुछ नहीं करते यार, बस बातचीत करनी है। यहाँ भाई कोई बात नहीं कर रहा है, हमारे तो कुत्ते काट रहे हैं हमारे यहाँ से। हमारी तो लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही, हाँ ऐसा वैसा, एक बार सारे को दिखा दे, एक बार दोबारा दिखा दे बलर तो नहीं आ रहा बलर, हाँ सर दिखाऊं, खड़ा दे बट खुद
इज्जत को देखो भाई, ये बच्चा देख रहा है बस यार, कोई नहीं मतलब किसी में डेट नहीं पड़ रहा। जैसे कि आप सारा एक परिवार है, जितने भी यहाँ से वहाँ लगे सब एक परिवार है या अलग अलग है? सबका अलग अलग परिवार है। अच्छा, सबका अलग अलग। तो ऐसे आप रहने वाले कहाँ के हो? मेन रहने वाले बिहार से आए हो? अच्छा, पटना सिटी से। अच्छा, पटना सिटी से आए हो आप। तो मतलब हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है, देखो आपकी कोई ऐसी वैसी वीडियो नहीं हम बना रहे, हम सिर्फ जानकारी के लिए वीडियो बनाने के लिए आए हैं। आपकी ऐसा कोई मकसद नहीं है कि जिससे आपको हानि हो या आपके ठेस पहुंचे। आराम से भाई, गिर मत जाना। तो हम तो इन बच्चों की जैसे कि इन बच्चों की तस्वीर ले सकते हैं भाई, इनकी वीडियो बनाने के लिए और कुछ नहीं आया। अब ऐसा कोई बच्चा ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसकी हम मतलब जिससे बातचीत करके हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सके। अब आपने बता दिया आप 20 साल से यहाँ रह रहे हो और कुछ नहीं, बस आपसे क्या। अब ये अंकल जी बैठे, इनसे बात करेंगे, मतलब एक यही ये शख्स हमें यहाँ मिले, और कोई शख्स नहीं मिला। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? भुनेसर है जी। भुनेसर, भुनेसर। अच्छा, तो आपकी कितनी उम्र होगी अंकल? हमारे पता नहीं, पता नहीं आपको। अच्छा, तो आप 25 साल से हो आप भी यहीं? आइए, बाद में आया हूँ। नहीं नहीं, 20 साल हो गया यहाँ पर। आपको 20 साल हो गए यहाँ पे। तो अंकल जैसे कि आप काम क्या करते हो फिर यहाँ पे रह के? पहले जिम करते हैं, पहले जाते हैं, फिर पार्लर आते हैं। अच्छा, तो आपकी मतलब सरकारी सुविधा कुछ नहीं मिलती? नहीं। जैसे कि राशन मिलता है और भी तेरी सुविधा, तो कुछ नहीं मिलता आपको सरकारी? यहाँ पर नहीं रहता, बिहार में मिलता है। अच्छा, बिहार मिलता है, वहाँ पे मिल जाता है, वहाँ का राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सब वहीं के ही है। तो आप वोट भी डालते हो? हाँ, वोट डालते हैं वहीं पे जाके डालते हो। तो अंकल वोट का समय आएगा ना तब? अच्छा, जब वोट का समय तो आप वहीं चले जाते हो? सारे बाल। अच्छा अच्छा, फिर चलाते हैं वोट गिराए का। जैसे कितने कितने बंदे रहते हो आप यहाँ पे टोटल? यहाँ है 50 बंदे। 50-60 बंदे मतलब बिहार से यहाँ पे रहते हैं सब, बच्चे वगैरह 50 से ज्यादा। तो मुझे अभी आपके बच्चे यार आप देख रहे हो, मैं तो बार पढ़ले है आप बंदा, और बाकी सब काम करने के लिए गए हुए हैं। 50 से बेसी होगा, देखता है कि नहीं। हाँ, बच्चे बच्चे देख रहे हैं ज्यादा। तो जैसे कि यहाँ पे लाइट की सुविधा नहीं और भी कुछ नहीं, तो आप खाना किस तरीके से करते हो? लकड़ पर बनाता है। अच्छा, लकड़ से बनाते हो? ये चूल्हे जो है इन पे। अच्छा, तो आपको मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं लगता कि भाई आपको भी यहीं आपको यहाँ के बनवा लेने चाहिए? जब आप 25-20 साल से हैं तो यहीं के आईडी कार्ड वैसा सब यहीं के बनवा लो। कौन बनाएगा यहाँ पे? कोशिश नहीं करी आपने कभी? कोई नहीं बनाता, कोई नहीं बनाता। और ये बच्चे जैसे कि ये बच्चे स्कूल में किसी को नहीं भेजते आप? नहीं, स्कूल तो यहाँ पे है ना, इस गांव में स्कूल तो है। नहीं, पढ़ना लिखना तो किसी मतलब कोई बच्चा तो नहीं है, बच्चे तो किसी का मन नहीं करता कि स्कूल में जाए। नहीं, अगर एडमिशन की बात हो इस गांव में तो एडमिशन तो हम करवा देंगे, बाकी आप एग्री हो उस चीज के लिए कि हाँ भाई आप इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हो? नहीं, यहाँ पे अगर इनका नाम लिखवाना है स्कूल में तो नाम लिखे जाएगा, इस चीज की हम जिम्मेदारी लेंगे। अगर आपको इन बच्चे जितने बच्चे हैं आपको अगर स्कूल में भेजने हैं तो स्कूल में यहाँ पे नाम लिखवाया जाएगा इनका, आप बच्चों को भेज सकते हो अगर आप एग्री हो कि हाँ आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं। पर बाकी दूर पढ़ता है ना स्कूल भी, इतने में तो स्कूल ही लग जाता है, इतनी दूर पढ़ता है। तो काफी है सिस्टम, तो बहुत है आपका। 20 साल से आप यहाँ रह रहे हो? एक अच्छा, तो 20 छोटी छोटी बड़ी बड़ी होगा अपना घर जाकर शादी उदी कर लेता, जवान लड़की लड़का हो जाता है तो फिर भी हट। तो शादी भी यहीं के यहीं हो जाती है आपकी? बिहार में जाके शादी करते हो? अच्छा, तो आप मतलब जैसे कि ये अलग परिवार है और आप इधर अलग परिवार है,
रहते तो एक साथ नहीं है सब, मतलब हमें ऐसा पता है कि जैसे कि एक परिवार के एक परिवार निकल जाता है ना घर से, तो ऐसे ही मगर कभी एक परिवार हो सभी। नहीं नहीं कुछ और है दूसरी गांव का, कोई और है दूसरी गांव का, ऐसे भी। अच्छा दूसरे दूसरे गांव से आके बस हुए हैं सब सारे, जैसे सोनपुर कुतुबपुर। अच्छा कुतुबपुर के तो आप खैर सभी वाकिफ होंगे, कुतुबपुर से तो आते जाते डेली का आना जाना आपका, वहीं से सामान लाते होंगे सब, खाना बनाने वाला सब। चलो थैंक यू जी, आपने इतना समय हमारे से बताया, जो आपसे थोड़ी सी जानकारी मिली बस इसी के लिए आए थे हम, ऐसा हमारा कोई वो नहीं था कि आपको मतलब कोई हानि पहुंचाया ऐसी कोई गंदी तस्वीर ऐसा कुछ नहीं था, बस इसीलिए हम आए थे कि आपका मतलब जो यहाँ पे आपको कुछ सुविधा नहीं मिली है, आप 20 साल से कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये जानकारी थी लेनी थी और कुछ नहीं। थैंक यू जी। तो भाई आपसे दिखाया बताया कि ये 20 साल से यहाँ पे रहते हैं भाई, ये एक परिवार नहीं है, अलग अलग परिवार है, और कोई दूसरे गांव से आता है कोई दूसरे गांव से आता है, यहाँ पे रहते हैं ये। ये जमुना में जो ये इधर दिखाइए भाई, इधर ये पूरा खाली है, इधर यहाँ पे पानी चल जाता है जब बाढ़ आती है तो, यहाँ पे पता नहीं लगता, तो जब बाढ़ आती है तो वहाँ पे एक लाइन है जिसे कहते हैं पटड़ी, वो ऊंची मिट्टी की बना रखी है, वहाँ पे जाके रहने लग जाते हैं जब बाढ़ आती है, पानी का मौसम बारिश होती है। बाकी यहाँ पे खड़ा होने के बंदा चांस नहीं होता कि यहाँ पे जी सके जिस टाइम पे बारिश होती है, क्योंकि पूरा पानी चलता है। तो भाई ये जानकारी थी, यहाँ पे ये चूल्हों में रोटी बनाते हैं, यहाँ पे गैस गैस वाली इनके पास कोई सुविधा नहीं है शायद, और बिजली वगैरह पंखा एसी सब ऐसी कोई इनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, और सरकार की तरफ से भी यहाँ पे क्योंकि ये 25 साल से रहने हैं, बनने तो यहीं के कार्ड चाहिए थे, लेकिन सरकार की तरफ से भी इनको कोई सुविधा नहीं है भाई। इनमें देखो इनमें टाइम गुजरता है इनका, ये जिंदगी यहाँ पे अंदर ये अंदर दिखा देख, ये यहाँ पे ऐसी जगह में मतलब रहते हैं सब। तो भाई ये देखो इधर इधर दिखाओ, ये मतलब इनके पास ऐसी कोई बस रहने के लिए ये झोपड़ियाँ हैं, और खाने के लिए भाई गांव में से थोड़ा सा सामान ले आई वो, और पढ़ने के लिए कपड़े हैं इनके पास, और कोई सामान नहीं है। बाकी आज का व्लॉग और आज का इंटरव्यू इतना ही था, ताकि आगे कोई नेक्स्ट ऐसी कोई सिचुएशन दिखेगी कोई कहीं दिखेगा हम वहाँ जाके शूट करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाऊंगे। आज तक यहीं से बस, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि भाई लोगों को पता लगे कि हाँ यहाँ पे मतलब ऐसे भी कोई व्यक्ति ऐसे भी कोई इंसान रहते हैं जो गांव से बहुत दूर जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, बिना सुविधा के जी रहे हैं, और शायद हमसे खुश हैं, अभी खुश हैं, हमने देखा इनके रिएक्शन इनके फेस पे मतलब इनकी एक्टिविटी सब देखी। तो भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों के पास पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता लगे कि हाँ कैसे ज़िंदगी व्यतीत होती है। तो भाई लाइक करें वीडियो को लाइक करें शेयर करें, और भाई कमेंट में ज़रूर बताएं कि मतलब आप इनके लिए क्या भावना रखते हैं, क्या सोच रखते हैं। तो आज के बस इतना ही, धन्यवाद।